सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमने आपको बताया अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो बनाना, चैनल इंट्रो बनाना, सब्सक्राइब बेल एनिमेशंस बनाना, बट आज मैं आपको बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल चैनल आर्ट यानी कि चैनल बैनर बनाना। सो गाइस, इससे पहले कि वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, अगर आप अपने ब्रांड, बिजनेस या फिर यूट्यूब के लिए प्रोफेशनल लोगो, इंट्रो, आउट्रो या फिर सब्सक्राइब बेल एनिमेशंस मुझसे डिजाइन करवाना चाहते हैं या फिर नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले से मिल जाएगा, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको इस चैनल आर्ट को बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। साथ में इस चैनल आर्ट को बनाने के लिए जो जो एलिमेंट्स मैं यूज किया हूं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज के अपने इस चैनल आर्ट को बनाना कैसे है। आज के अपने इस चैनल बैनर को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम पिक्सल ऐप है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। सो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, देन इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट का एक लाइन मिलेगा, इस पे आपको टैप करना है। देन आपको यहाँ इमेज साइज पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रीसेट में कस्टम वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल बैनर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करना है। देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो बैनर होता है यूट्यूब चैनल का, उसका एक अपना स्टैंडर्ड साइज होता है यूट्यूब की तरफ से। अगर हम उस साइज का नहीं बनाते हैं तो वहां पे सेट नहीं होगा, या फिर आप जो भी इन्फॉर्मेशन बैनर के ऊपर डालेंगे वो वहां पे सेट नहीं हो पाएगा, कट जाएगा। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले चैनल बैनर का जो स्टैंडर्ड साइज है वो सेट करना पड़ता है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स मिलेगा, फिलहाल के लिए हमें इस बॉक्स को डिलीट कर देना है। इसके लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करना है। देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हम एक टेम्पलेट्स यूज करेंगे, यूट्यूब बैनर टेम्पलेट्स। सो सबसे पहले मैं आपको वो टेम्पलेट्स दिखा देता हूँ कि वो टेम्पलेट्स है कैसा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका यूजेज क्या है, क्यों हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। साथ में वो जो टेम्पलेट्स मैं ऐड करने वाला हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टेम्पलेट्स को ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ राइट कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे ये आपके डिवाइस की गैलरी में ले जाएगा, वहां से आप जो टेम्पलेट्स डाउनलोड किए हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से यहाँ पे टेम्पलेट जो होगा वो बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये टेम्पलेट्स क्यों जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस टेम्पलेट्स पे बहुत जगह पे मार्क किया हुआ है, जैसे कि यहाँ टॉप कॉर्नर में टीवी लिखा हुआ है और यहाँ पे उसके साइजेस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप लिखा है, यहाँ टैबलेट और यहाँ पे डेस्कटॉप मिनिमम एंड मोबाइल दिया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जब हम अपने यूट्यूब चैनल पे ये चैनल आर्ट को लगाते हैं, इस चैनल बैनर को लगाते हैं, तो जो ये पूरा सेक्शन होता है ये टीवी पे दिखता है, ये टीवी पे दिखता है। यानी कि आपके चैनल को अगर कोई टीवी पे विजिट करता है और आपके होम पेज को देखता है तो ये पूरा सेक्शन टीवी यूजर्स को दिखता है। और ये जो है इतना सेक्शन, ये जो पतला सा इतना लंबा सेक्शन है, ये जो है डेस्कटॉप यूजर को या फिर कंप्यूटर पे कोई आपके चैनल को विजिट करके होम पेज ओपन करता है तो ये पूरा सेक्शन दिखता है। यहाँ पे से लेकर के यहाँ तक आपको डेस्कटॉप यानी कि सॉरी टैबलेट यूजर्स को, जो टैबलेट यूज करते हैं टैब्स वगैरह, उनको दिखेगा। और जो ये सबसे डार्क वाला सेक्शन है, अगर कोई आपके चैनल को मोबाइल पे विजिट करता है तो ये वाला सेक्शन नजर आता है। सो हमें अपने चैनल बैनर को बनाते समय इसी टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे हम अपने चैनल बैनर के लिए एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है। सो वो बैकग्राउंड इमेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। देन आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे ये आपके डिवाइस की गैलरी में ले जाएगा, यहाँ से जो आप डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, सो वो फाइल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से ड्रैग करके यहाँ लाना है, देन इसे छोटा कर लेना है। इसके बाद हमें ये जो ब्लैक वाला सबसे डार्क वाला जो सेक्शन है जो मोबाइल पे दिखेगा, इसके बराबर हमें इसे रिसाइज करना है। कुछ इस तरह से रिसाइज करने के बाद इसे इसके ऊपर बीचों बीच प्लेस करके देख लेना है कि वो उसी के साइज के बराबर है कि नहीं। सो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा है, तो इसे हमें कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है, पतला। सो कुछ इस तरह से रिसाइज करने के बाद आपको फिर से इसे बड़ा कर लेना है। डेट मीन्स हमने एक तरह से मेजर कर लिया जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है यूट्यूब के बैनर का, उससे अब इसके ऊपर हमें अपने चैनल के अकॉर्डिंग, चैनल थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज करने हैं। सो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक डिजाइन इसके ऊपर क्रिएट करने हैं।
सो जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने बैनर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे इसी हेक्सागोनल सेक्शन में स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको रिलेटिव पोजीशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ नीचे वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारा बैकग्राउंड टेम्पलेट है उसके बीचों बीच बैनर का जो बैकग्राउंड है वो अलाइन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें एक शेप्स को ऐड करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ शेप्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शेप्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक स्क्वायर शेप्स ऐड हो जाएगा। सो क्या करना है, यहाँ से इसे कुछ इस तरह से नीचे एक्सटेंड कर देना है, देन इसे कुछ इस तरह से पतला कर देना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से हमें इसे कुछ इस तरह से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इसी हेक्सागोनल सेक्शन में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, फिर से यहाँ रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जो हमारा व्हाइट कलर का जो हमने शेप ऐड किया वो इस बैनर टेम्पलेट्स के बीचों बीच आ जाएगा, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक सर्कल को ऐड करना है। सो सर्कल को ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ फिर से आपको शेप्स पे क्लिक करना है। जैसे आप शेप्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक सर्कल की जरूरत है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ सर्कल पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्कल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक सर्कल ऐड हो जाएगा। यहाँ से आपको इसी सेक्शन में ओपेसिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इसको जीरो कर लेना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ से आपको स्ट्रोक विड्थ का ऑप्शन मिलेगा, सो इसे बढ़ा के कुछ आपको 10 कर लेना है। 10 करने के बाद आपको नीचे आना है, यहां पे जो है इसका कलर चेंज करना है। ऊपर वाले सेक्शन से कलर चेंज नहीं होगा, यहां नीचे ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पे इसका कलर चेंज कर लेना है। सो यहां से हम इसे येलो कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर चाहें वो कर सकते हैं, देन यहां राइट पे क्लिक कर देना है। फिर हमें कुछ इस तरह से इसे छोटा करना है, कुछ इस तरह से इतना छोटा करने के बाद फिर से हमें इसी हेक्सागोनल सेक्शन में रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमारा ये तीनों एलिमेंट्स हैं, जो हमारा बैनर बैकग्राउंड, येलो कलर का सर्कल और वो जो लाइन व्हाइट कलर का, इनको आपस में मर्ज करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से इन तीनों बॉक्सेस को चेक मार्क करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से हमारा जो ये सारे एलिमेंट्स है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये लाइन है वो हमारे बैनर टेम्पलेट से बाहर निकल रहा है। सो इसके लिए सिंपली आपको इसी हेक्सागोनल सेक्शन में ऊपर आना है, यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, देन जो एक्स्ट्रा सेक्शन है जो व्हाइट कलर का जो लाइन है हमारा, उसको नीचे से और ऊपर से क्रॉप कर लेना है। कुछ इस तरह से क्रॉप करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब गाइज इसके बाद यहाँ पे हमें अपने चैनल का लोगो और चैनल के डिटेल, जो कि आपका चैनल किस कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग चैनल का नेम और जो जो आप चैनल में बताते हो वो सब मेंशन करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगो ऐड करेंगे। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे ये आपके डिवाइस की गैलरी में ले जाएगा। यहाँ से आपको अपने लोगो को सेलेक्ट कर लेना है, जो चैनल लोगो है। सो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। चैनल लोगो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है, देन जो हमारा लोगो यहाँ पे ऐड हुआ है इसको कुछ इस तरह से छोटा करना है और यहाँ बीचों बीच प्लेस कर देना है। अपने चैनल लोगो को कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद हमें अपने चैनल लोगो को बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लेना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन इन दोनों बॉक्सेस को चेक मार्क करके यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो लोगो है अब इधर उधर मूव नहीं होगा, जहाँ पे हमने सेंटर में अलाइन करना था वो सही से अलाइन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम अपने चैनल का नेम ऐड करना है। सो नेम ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा, इस पे डबल टैप करना है, देन यहाँ पे अपने चैनल नेम को टाइप करना है, देन यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सो गाइस चैनल नेम ऐड करने के बाद यहाँ से हमें अपने चैनल नेम के फॉन्ट को चेंज करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ए वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको ए बी फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, देन आपको इसी सेक्शन में जो है फॉन्ट वाले सेक्शन में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट हम यूज करने वाले हैं वो आपको पिक्सल लैब में ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मीम फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारे चैनल का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। सो गाइस फॉन्ट को चेंज करने के बाद इसी ए वाले सेक्शन में आपको नीचे यहाँ स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, देन इसे कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 3-4 कर लेना है अराउंड, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारे चैनल का नेम है उनके लेटर्स के बीच में थोड़े स्पेस क्रिएट हो जाएंगे, तो ये काफी अच्छा दिखेगा। देन हमें इसे कुछ इस तरह से बड़ा करके यहाँ पे प्लेस कर देना है।
चैनल नेम को कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद यहाँ हमें ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ सेव्स पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव्स पे क्लिक करेंगे यहाँ स्क्वायर बॉक्स ऐड हो जाएगा। सो यहाँ से हमें इसे कुछ इस तरह से पतला कर लेना है, देन कुछ इस तरह से आपको एक लाइन क्रिएट कर लेनी है व्हाइट कलर की, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इसे कुछ इस तरह से ड्रैग करके यहाँ लाना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है। यहाँ पे हमारी लाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो इसे कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है, इतना छोटा हमारे जितना चैनल का नेम है उसके बराबर, देन यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद अगर आपको मतलब एक्यूरेसी के साथ इस लाइन को प्लेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ हेक्सागोनल सेक्शन पे क्लिक करना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से मूव बाई को थोड़ा सा कम कर लेना है और यहाँ से आप जिस डायरेक्शन में चाहें इस लाइन को मूव कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे मैन्युअली करने में इतने छोटे छोटे आइकन्स को एलिमेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाता है। सो यहाँ से आप कर सकते हैं इसे सही से सेट, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। लाइन को कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद यहाँ पे हम अपने चैनल से रिलेटेड कि आप किस तरह की वीडियो डालते हो उससे रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने हैं। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का बॉक्स ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो भी हम काम करते हैं अपने चैनल पे, जो भी हम वीडियोज डालते हैं वो यहाँ पे हमें ऐड करना है। सो डबल टैप करने के बाद यहाँ पे बारी बारी से जो जो आप दिखाते हैं अपने चैनल पे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम एक इमोजी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ये आइकन, देन यहाँ पे हम अपने चैनल से रिलेटेड टेक्स्ट ऐड करते हैं, जैसे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ऐसे ही यहाँ एरो पे क्लिक करके नीचे जो कुछ और ऐड करना चाहते हैं सो ये आइकन ऐड करने के बाद से ऐड कर लेना है। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से ड्रैग करके हमें यहाँ लाना है, इसके साइज को छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से, ताकि ये यहाँ पे अच्छा लग सके। कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद जो हमने टेक्स्ट ऐड किया वो काफ़ी थिन है तो यहाँ ए वाले सेक्शन पे क्लिक करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको बी स्टाइल पे क्लिक करना है और इसे बोल्ड कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट ऐड करना था ऐड कर लिया। अब जो जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है इनको आपस में मर्ज करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से टेक्नोलॉजी 489 जो हमारे चैनल का नेम है, और ये जो लाइन और जो हमने टेक्स्ट ऐड किया डिस्क्रिप्शंस के लिए अनबॉक्सिंग रिव्यू, इनको चेक मार्क करना है, इस टेम्पलेट्स को नहीं करना है। यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट्स है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, जितने भी टेक्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं। फिर हमें क्या करना है, इसके पीछे शैडो क्रिएट करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको इस हेक्सागोनल सेक्शन पे क्लिक करना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, जैसे कि हमने लेफ्ट साइड में बैनर के लेफ्ट साइड में अपने चैनल के कुछ डिटेल ऐड किए, राइट साइड में हमें सब्सक्राइब का एक आइकन ऐड करना है, पीएनजी आइकन, और कुछ हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उसके आइकन्स ऐड करने हैं। सो इसके लिए जो जो कुछ भी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे यहाँ आपके डिवाइस के गैलरी में ले जाएगा। सो जो एलिमेंट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे उसको आपको यहां से ऐड कर लेना है। सो यहां पे हम इस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के आइकन्स को ऐड कर लेते हैं, देन यहां राइट पे क्लिक कर देना है। सो इसे कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है और यहां प्लेस कर देना है। कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद यहाँ इसी हेक्सागोनल सेक्शन में आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है, यहाँ पे स्ट्रोक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन इसे इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करेंगे इनके साइड्स में व्हाइट कलर के बाउंड्रीज आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि ब्लैक से हमारा जो डार्क बैकग्राउंड था वो मैच कर जा रहा था, मिक्स कर जा रहा था, सही से विजिबल नहीं था, तो हमने यहाँ पे स्ट्रोक्स में व्हाइट कलर का जो अंडरलाइन है वो आउटर लाइन वो हमने ऐड कर लिया, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक सब्सक्राइब का आइकन ऐड करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। फिर से आपकी गैलरी में जाएंगे, यहाँ पे आपको वो आइकन ऐड कर लेना है सब्सक्राइब वाला। सो आइकन ऐड करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इसे भी हमें छोटा करना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। आइकन को कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद
इसके बाद हमें अपने चैनल का URL यहाँ पे नीचे ऐड करना है। अब यहाँ पे जो जो कुछ भी मैं ऐड कर रहा हूँ वो उसकी जगह पे आप कोई और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर आप अपने नॉलेज से और भी चाहें तो इसको बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो भी ऐड करके आप और इसे मतलब अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब्सक्राइब के नीचे जो मेरे चैनल का URL है youtube.com/technology489, तो वो ऐड कर लेता हूँ। सो इसके लिए आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेना है, फिर आपको इस पे डबल टैप करना है और यहाँ पे अपने चैनल का जो भी URL है वो टाइप कर लेना है, या फिर आप चाहें तो वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई टैगलाइन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं URL ऐड कर लेता हूँ। URL ऐड करने के बाद यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है, फिर इस URL को ड्रैग करके कुछ यहाँ पे लाना है, छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसके बाद गाइज जो हमने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के आइकन, सब्सक्राइब का आइकन और जो URL ऐड किया, इन तीनों को आपस में मर्ज कर लेना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से इस सब्सक्राइब वाले आइकन को चेक मार्क करना है, सोशल नेटवर्किंग वाले आइकन को, और यहाँ पे हमारा URL आइकन है इसको भी यहाँ पे चेक मार्क करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सो ये हमारे आपस में मर्ज हो जाएंगे। सो हमें क्या करना है, इसी हेक्सागोनल सेक्शन में स्क्रॉल करके नीचे आना है और इनके पीछे भी यहाँ से शैडो पे क्लिक करके शैडो इनेबल करके शैडो क्रिएट कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो हमारा यहाँ पे बैनर ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, बैनर पे हमने जितने भी एलिमेंट्स ऐड किए सबको आपस में मर्ज कर लेना है फाइनल स्टेप में। सो यहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ से इन तीनों बॉक्सेस को चेक मार्क करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सो ऐसा करने से हमारे जितने भी एलिमेंट्स बैनर के ऊपर थे सब आपस में मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे हमें इसको फिर से छोटा करना है कुछ इस तरह से, और यहाँ जो हमारा ब्लैक कलर का सबसे जो डार्क सेक्शन है उसके बराबर कुछ इस तरह से कर लेना है, देन ऊपर यहाँ लाना है और कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। यानी कि अब जो हमारा चैनल बैनर है वो बन चुका है, अब हम रीसाइज कर रहे हैं जिस तरह स्टार्टिंग में किए थे, ताकि यही वाला सेक्शन जो है हमारे YouTube चैनल पे सेट हो सके। तो कुछ इस तरह से सेट करने के बाद हम चाहें तो अपने चैनल के पीछे का जो ये बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको पिक्सल लैब में ही बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने बैनर के लिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ इसी सेक्शन में फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आप अपने गैलरी से कोई बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। सो हम गैलरी से ही कोई बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं, सेम बैकग्राउंड जो हमने यूज किया था अपने चैनल बैनर के लिए। सो यहां से उस बैनर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस बैकग्राउंड के फॉर्म में, देन यहां राइट पे क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद यहां से हमें अपने बैनर को सेव कर लेना है। सो सेव करने के लिए यहां आपको क्लिक करना है, देन यहां सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे यहां पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, डायमेंशन में आपको यहां कस्टम के जगह पे सबसे नीचे यहां पे अल्ट्रा का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है, देन यहां सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइज होप कि अब आप भी अपने चैनल के लिए चैनल बैनर बनाना सीख गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।